हाय दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे एमएक्स प्लेयर पर रिलीज हुए एक नई वेब सीरीज जिसका नाम है द मिसिंग स्टोन। इसमें आपको टोटल 5 एपिसोड देखने को मिलते हैं, जिसके हर एक एपिसोड ऑलमोस्ट 19 मिनट से लेकर 27 मिनट्स के बीच में। ये सीरीज की कहानी शुरू होती है पुणे से, जहां पर हमें नजर आते साहिल और ध्वनी, दोनों ही मैरिड कपल है। खैर, अब कहानी में ट्विस्ट अब आता है जब साहिल बिजनेस ट्रिप के लिए अपने लोनावला के रिजॉर्ट में जाते हैं, इसीलिए ध्वनि भी साहिल के साथ उस ट्रिप पर चले जाती है। लेकिन वहां जाने के बाद ध्वनि को पता चलता है कि उसकी बहन पायल मिसिंग है। फिर उसके बाद कहानी में क्या ट्विस्ट एंड टर्न्स आती है, सब कुछ जानने के लिए आपको देखनी पड़ेगी ये सीरीज। लेकिन इस वीडियो को पूरा जरूर देखना, क्योंकि उसके बाद आप लोग डेफिनेटली डिसाइड कर पाओगे कि ये सीरीज आपको देखनी है या नहीं। खैर, अब बात करेंगे शो के कॉन्सेप्ट की। तो ये एक मिस्ट्री थ्रिलर शो है, लेकिन जो इसकी कहानी है उसमें पर्सनली मुझे कुछ भी नया नहीं लगा। मैंने इस तरीके की कहानी बहुत बार अलग अलग मूवीज में देख चुका हूं, सीरीज में देख चुका हूं, इवन क्राइम पेट्रोल और अवधान इंडिया में भी देख चुका हूं। तो इसलिए यहां पर मेरे लिए कुछ भी नया नहीं था, लेकिन आपके लिए हो सकता है अगर आप लोग इसको चेकआउट करोगे तो, क्योंकि सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है। खैर, उसके अलावा अगर कैरेक्टर्स की बात करो तो यहां पर आपको कुछ ही कैरेक्टर्स देखने को मिल जाएंगे जिसको ठीक ठाक लिखा है, यानी कि इतनी भी अच्छी तरह से नहीं लिखा कि आप उनसे इजीली कनेक्शन बना सको, ऐसा भी कुछ नहीं है। खैर, उसके अलावा शो की अगर सिनेमेटोग्राफी की बात करें तो यस, लोकेशंस बढ़िया होने की वजह से, यानी कि पूरी शूटिंग लोनावला में हुई है, तो बारिश के मौसम में लोनावला कितना खूबसूरत लगता है वो तो आपको पता ही होगा। अगर आप लोग नहीं भी गए तो आपने यूट्यूब में तो देखा ही होगा, इसीलिए शो की सिनेमेटोग्राफी अच्छी है। अगर बीजीएम की बात करो तो यार नथिंग न्यू, यानी कि कुछ भी नयापन आपको बीजीएम में सुनने को नहीं मिलता, वही ओल्ड जो हमने इससे पहले और बहुत सारी मूवीज और सीरीज में सुन रखा है। खैर, अगर एक्टर्स के परफॉर्मेंस की बात को तो यहां पर सभी एक्टर्स ने रिसेंट काम किया है, लेकिन यहां पर मैं सबसे ज्यादा डिसअपॉइंट हुआ वरुण सोपती से, क्योंकि उनके वजह से मैंने इस सीरीज को देखा है। वरुण सोपती ने असुर जैसी जबरदस्त सीरीज में काम किया, इसके बाद हलहल जैसी शानदार मूवी में काम किया, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि उनका जो नेक्स्ट प्रोजेक्ट होगा वो वाकई में वर्थ वॉच होगा, यानी कि सोच समझ के अगले प्रोजेक्ट को डिसाइड करेंगे। लेकिन उन्होंने इस प्रोजेक्ट को साइन क्यों किया वो मुझे अभी तक समझ में नहीं आ रहा है। मेरे हिसाब से तो एक एवरेज मिस्ट्री थ्रिलर शो है, जो कि आप चाहो तो देख सकते हो, अगर आप लोग नहीं भी देखोगे तो कोई बड़ी बात होने वाली है नहीं। उसके अलावा एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि 5 एपिसोड के सीरीज में आप 3rd एपिसोड में ही इजीली गैस कर लोगे कि मेन कल्प्रिट है कौन, और एंड में वही कल्प्रिट निकलता है। तो मेरे हिसाब से तो इस शो को सिर्फ 4 एपिसोड में इजीली ख़त्म किया जा सकता था, लेकिन जो 5वां एपिसोड है वो जबरदस्ती का खींचा गया है। उसमें बस वो बताया कि ये सब चीज़ें हुई किस वजह से, उसको 4th एपिसोड में इजीली बताया जा सकता था। लेकिन खैर ये मेकर्स ने डिसाइड किया तो यार ठीक ही किया होगा। पेरेंटल गाइडेंस की बात करो तो ये आप अपनी फैमिली के साथ बैठ के नहीं देख सकते, क्योंकि इसमें कुछ किसिंग सीन है, ज़्यादा नहीं है मगर कुछ किसिंग सीन है, और कुछ ऐसे सीन है जो मैं बोलूँगा कि भाई अवॉइड करो। मैं इस शो को रेटिंग दूंगा 4 आउट ऑफ 10। बस इस वीडियो में इतना ही, मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, दिल दिन दुआ में याद रखना। बाय।